नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। महाराष्ट्र के नागपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। नागपुर में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या की है। यह महिला पति की पांचवी पत्नी थी। पांचवी पत्नी ने पहले अपने पति को अश्लील वीडियो दिखाए, फिर उसके हाथ पैर कुर्सी से बांध दिए और शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसकी चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। यह घटना है नागपुर के गणेशपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रजत टावर्स की है। अपने दूसरे पत्नी का कत्ल करने वाली महिला का नाम है स्वाति लक्ष्मण मलिक और जिसकी हत्या कर दी गई उस व्यक्ति का नाम लक्ष्मण मलिक है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिल्मी स्टाइल में की गई यह वारदात पारिवारिक कलह की वजह से हुई है। मृतक 65 वर्षीय लक्ष्मण रामलाल मलिक एक वरिष्ठ नागरिक है। स्वाति उनकी पांचवी पत्नी है और स्वाति से उन्हें 1-3 माह का बेटा भी है। कुछ वक्त पहले लक्ष्मण को इस बात की भनक लगी थी कि स्वाति का किसी दूसरे पुरुष के साथ चक्कर है। बताया जा रहा है कि लक्ष्मण इस बात का भी शक था उनका 3 महीने का बेटा किसी और का है। इस मुद्दे को लेकर दोनों में तनाव था। वरिष्ठ नागरिक होने के कारण लक्ष्मण का एटीएम कार्ड स्वाति के पास रहता था। पिछले काफी वक्त से लक्ष्मण स्वाति से एटीएम कार्ड वापस देने की मांग कर रहा था। पुलिस ने बताया मार्च 8 को टैक्सी के जरिए लक्ष्मण के पास पहुंची थी। उसके बाद स्वाति ने अपने पति लक्ष्मण को अश्लील वीडियो दिखाकर शारीरिक संबंध बनाए। संबंध बनाने के बाद स्वाति ने लक्ष्मण को कुर्सी पर बिठाया, उसके हाथ बांध दिए। इसके बाद स्वाति ने चाकू निकाला और लक्ष्मण की हत्या कर दी।